जुपिटर 4 में है किसी का, या चंद्रमा 8 में है? जुपिटर 4 में, बृहस्पति 4 में या चंद्रमा 8 में है? ऐसा कोई व्यक्ति है जिसका जुपिटर 4 में है, चंद्रमा 8 में है? बोलो भाई, हाँ ना तो बोलो। अभी तो सारे क्वेश्चन पूछ रहे थे, मैं सारे क्वेश्चन लिया, मैं पूछ रहा हूं तो कोई नहीं बोल रहा। हाँ, किसी का नहीं है, फैमिली में किसी का भी नहीं है? अगर सुरेंद्र जी किसी का बृहस्पति 4 में आ जाए या चंद्रमा 8 में आ जाए, तो अशोक गौड़ जी ऐसा व्यक्ति अपनी एजुकेशन से रिलेटेड काम नहीं करता। जो उसने प्रारंभिक ज्ञान लिया होता है उस काम से अलग हटके काम करता है, ठीक उसमें बात है गुरु जी। प्रोफेशन मेरी वाइफ नहीं आता। का है, मेरी वाइफ ओके का है जुपिटर चंद्रमा के साथ, ओके, काम लेकिन काम उसका अलग है जो एजुकेशन से। अलग है ना। ऐसे हर व्यक्ति का मिलेगा। मेरा अखिलेश एक भी सूत्र ऐसा नहीं होगा जो कहीं भी जाके फेल हो, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे प्रैक्टिकली। गुरु जी कल जो बड़े बेटे के लिए आपको कुंडली दिखाई थी, उसका चंद्रमा 8 में है, चंद्रमा 8 में है? 8वें घर में है। हाँ ठीक है, तो क्या करूं? चंद्रमा नहीं, आपने पूछा ना कि किसी का है क्या, अभी मैंने 8 देखा। में, अभी वो बच्चा है ना, अभी तो वो पढ़ रहा है। मैं कह रहा हूँ जब वो जी पढ़ जी लेगा तो अपने प्रोफेशन से अलग हटके काम करेगा। नहीं, हो गया ना, वो कर रहा है इंजीनियरिंग और उसको जाना सिविल में। जो हाँ ये आप बात भी बोल रहे सही हो वो बोली हो चुका है, पिछले 6 महीने पहले उसने बोल दिया। सुरेंद्र जी, बच्चा कर रहा है इंजीनियरिंग और सिविल सर्विसेज में जाना है। सुरेंद्र जी इसके बेटे के साथ ना दिक्कत हुई, ये मेरे को कल बता रहा था, इसके बेटे के साथ दिक्कत हुई, इसके बेटे को ना यहाँ गल सर में वो बता दिया नसों नसों का का गुच्छा जन्म गुच्छा, से। जी ठीक है। फिर मैंने इसको डेट का एक स्पैम बताया, स्पैन बताया, मैंने कहा इसी डेट के बीच में बताया था डॉक्टर ने, तो अशोक जी इसने कहा कि हाँ उसी डेट के बीच में बताया था। ठीक है अखिलेश, यही बात हुई थी हमारी, जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। फिर मैंने सुरेंद्र जी इसको कहा कि 100% ठीक हो जाएगा तेरा बेटा, छोटी मोटी बीमारी छोड़ दे, बड़ी बीमारी के लिए तेरे बेटे को कभी डॉक्टर का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। फिर थोड़ी देर में इस भाई साहब ने बताया कि बेटा अंडे खाता है, मैंने कहा अंडे छुड़वा दे नहीं तो मैं ठीक नहीं कर पाऊंगा। फिर इसने कहा, बोला जी अंडे छोड़ देगा तो बीमार बीमार हो जाता है, मैंने बीमार नहीं होने देंगे, इस चीज की गारंटी हमारी है, अंडे छुड़वाओ। तो गुरु जी गुरु कल से जब से आपसे मिल के आया हूँ, मैं दिमाग बिल्कुल, मतलब मेरा बहुत दिनों बाद इतना अच्छा दिन और इतनी अच्छी सुबह हुई है। चलिए तो माई को धन्यवाद दे बेटा, मेरा तो वैसे ही सूखे में नाम होता है। मैं तो कल भी बता रहा था सुरेंद्र जी, हम तो उठा के ऐसी मिट्टी विट्टी दे देते हैं किसी को, माँ की कृपा से दवाई बन के लग जाती है, ठीक है, हमें आता ही कुछ नहीं है। ठीक है, डोंट वरी बेटा, एग्स छुड़वा उसके, सब ठीक हो जाएगा, सिंपल सी चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। एक ज्योतिषी की खास बात पता क्या होती है, आप सारे लोग ध्यान से सुनना, उस ज्योतिषी को मरवाने वाला कृपा जी पता कौन होते हैं? विमल कुमार जी, उसके शिष्य मरवाने वाले होते हैं, जैसे अखिलेश है ना, क्या ये बात आके, ये कर आके पैरों में बैठ जाएगा, रहे ये आके पैरों में बैठ जाएगा, गुरु जी आप ही हो सब कुछ, आप ही हो सब कुछ। तो सुरेंद्र जी ये गुरु को ना भगवान बना देते हैं ये लोग। अब गुरु की अवेयरनेस होनी चाहिए और गुरु को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि तू कुछ भी नहीं है, तू सिर्फ उसके प्रताप से चल रहा है, ठीक है। ऐसे प्यार मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, मैंने बताया कोविड में ऐसे ऐसे लोगों के काम ठीक हुए जो बिल्कुल डेड पड़े हुए थे, और वो ठीक होने के बाद सुरेंद्र जी उनका यही हुआ कि गुरु जी आप ही हो करने वाले। मैंने कहा ना भाई मैं नहीं हूं, माई करने वाली है, वो तो मार देता है ऐसा आदमी, तो बहुत अलर्ट रहना पड़ता ना। ये पोजीशन जो बोलते हैं ज्योतिषी की, जिंदगी खराब होती है लास्ट में, वो इसीलिए खराब होती है, वो खुद खराब करता है ज्योतिषी। आपको इसलिए बता रहा हूँ, मेरे से नहीं सीख रहे तो कहीं ना कहीं से तो सीख ही रहे हो ना, ज्योतिष का दिमाग में तो चल ही रहा है ना, ठीक है। अभी वो एक मैडम थी जो कह रही थी, मैंने काफी टाइम से मेरी यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, क्या नाम था, कृष्णा, बेटा अच्छा लगता है मुझे ऐसे लोग जो मुझे मिलते हैं ना, कि आपने काफी सारी चीजें की हैं, घर में चेंजेस किए हैं और आपको अच्छा लग रहा है, तो कृष्णा ऐसे बढ़िया लगता है, ठीक है, मुझे अच्छा लगता है कि लोग मेरे इससे फायदा उठा रहे हैं, लोगों को फायदा मिल रहा है, मतलब, ठीक है। चलिए, ये ज्योतिष में बहुत ज्यादा पावर होती है। केतु 4 में है किसी का? केतु 4 में है? मेरा है गुरु जी। बिल्कुल आपके घर के फर्श में दरारें होंगी ही होंगी, है, बहुत सारी, बिल्कुल है जी। बहुत सारी। बस ये सबसे बड़ी, सबसे बड़ा रीजन है अशोक जी प्रॉब्लम्स का। अब इसका बेटा है ना, अखिलेश का बेटे का बताया, जैसे इसने चंद्रमा 8 में है, इसकी एक और खास बात बताता हूँ। अभी तो बेटा इससे दूर रहता है, बट जब इस घर में रहता होगा या जिस घर में ये बच्चों के साथ रहता होगा ना,
वहां ये जो मर्जी कर लें, इनके घरों में ना पानी टिप 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 लीकेज रहती ही होगी। देखो बिल्कुल अब अखिलेश कह रहा है बिल्कुल बिल्कुल, हम तो रहती ही परेशान हो रहती। जाते हैं, परेशान। परेशान तुम नहीं हो जाते बेटा, ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो सिविल इंजीनियर होते हैं और लीकेज ठीक नहीं करा पाते, कहते हैं यार हमारी लीकेज ठीक नहीं हो रही। हर तीसरे महीने बाद शुरू हो जाता है। और जब वो आता है तब ज्यादा लीकेज होती है, जब वो आता है तब लीकेज होती है। हम कुछ और ऐसी अभी रेमेडी नहीं है, नहीं कर बंद हो पाते। गई है सारी, सारी बंद है गुरु जी। जब तक वो कहाना बंद नहीं हो रही थी, अब वो नहीं है, सारी लीकेज बंद है। जैसे ही वो आएगा फिर शुरू हो जाएगी। सुरेंद्र कहीं ना कहीं जी, इनको 20 रुपए की दवाई खरीदवाओ एक और 20 रुपए में इनकी लीकेज ठीक हो जाएंगी, 20 रुपए में इनकी लीकेज ठीक हो जाएंगी। और क्या चाहिए, गलत तो नहीं कह रहा हूँ सचिन जी? ठीक है, अरे उपाय कर ली, लेकिन हर बार कभी किस टंकी से कभी उस टंकी से टपकता ही है। हाँ नहीं बेटा वो चार्ट ही ऐसा है। वही मैं कह रही ना, हर बार मतलब कभी ना कभी कोई ना कोई टंकी लीक हुई। एक चीज और देखना, जब वो घर में रहता होगा ना, कभी आपने उसको बोला है, आप आई डोंट नो आप अच्छे से काम करो, आपने कभी बोला है उसको दूध गर्म कर दे या ये कर दे, हाँ तो दूध निकाल देता होगा वो, बिल्कुल, पूरा किचन दूध दूध कॉफी पूरा बनाई। किचन चाय कॉफी बनाया पूरी खत्म, पूरा किचन। ठीक है सुरेंद्र जी, अब ये कहेंगे बोले गुरु जी आपको कैसे पता, मैं भाई तुम्हारे घर में कैमरे लगे हुए हैं, मैं देखता रहता हूँ। दिस इज द ब्यूटी ऑफ लाल किताब और एस्ट्रोलॉजी की जो विद्या है, इसकी ब्यूटी है। आपके अंदर वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि सामने वाला हिल जाए कि यार कैसी प्रेडिक्शन निकाल के दे रहा है यार ये पंडित जी। ठीक है, गुरु बनाते हैं खाना पीना कुछ नहीं, गंदा गंदा होता। बिल्कुल शनि किसी का 12वें हाउस में है? जी गुरु जी, मेरा इनका घर ना हाईवे के पास होता है। जी अगर हाईवे नहीं भी होगा, अब सुरेंद्र जी जैसे मेरा 12वें हाउस में शनि है, अब मेरा कोई हाईवे के पास नहीं, बट जो मेरा रोड है वो आपने देखा वो हाईवे से भी ज्यादा चलता है, वहां पार्किंग की भी जगह नहीं मिलती। अखिलेश मैंने अभी नया घर बनाया तो मैंने देखा सेक्टर के अंदर घर बनाऊंगा, और ऐसी जगह घर बनाऊंगा जहां शांति हो। सुरेंद्र जी मैंने हाईवे से 2 किलोमीटर चल के अंदर प्लॉट लेके घर बनाया। ठीक है, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट आ गया, घर के बिल्कुल 20 कदम से हाईवे निकाल दिया उन्होंने। ठीक है, तो आप चीजों से बच नहीं सकते। आपको मजे की बात बताऊं एक, जो ये मैं चीजें बता रहा हूँ, हाईवे होना, ये होना अशोक जी, पड़ोस में ये होना, दिस इज नथिंग, दीज आर सिम्टम्स ओनली। ये प्लेनेट दिखा रहे होते हैं कि भैया मेरा अच्छा असर चल रहा है, अभी मैं अपना खराब असर भी दूंगा तेरे को, और मार दूंगा जिस दिन खराब असर दूंगा। अखिलेश कह रहा होगा यार आजकल तो घर की पानी की टिप 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 बिल्कुल बंद होगी, बेटा आएगा टिप टिप बढ़ जाएगी। नो यार, दैट टिप टिप इज जस्ट एन इंडिकेशन कि तेरे अखिलेश फाइनेंशियल खर्चे बढ़वा दूंगा मैं। अब आज अखिलेश का बेटा बाहर रह रहा है, टेक्निकली देखा जाए खर्चा बढ़ना चाहिए, बाहर रह रहा है तो खर्चा बढ़ता है ना, बट अखिलेश की सेविंग पहले से ज्यादा हो रही होंगी, पहले से बेटर फील हो रहा होगा इसको। ठीक है अशोक जी, जब ये तक जो वो कुछ साथ, था मेरे, एक महीना रहा है। 1 महीने रहा है सर। 1 महीने में मैं आपको क्या बताऊं, दुगना, मतलब जितनी सैलरी आती है उसकी दुगनी मैं खर्च कर चुका हूँ, एक महीने के अंदर और कुछ और नहीं, कोई अब बिल्कुल शांत हो गया खर्चा एकदम। बात नहीं बेटा, वो तो मैं बता रहा हूँ ना, खर्चा ठीक करो ना उसको, प्लेनेट को ठीक करो ना। प्लेनेट बताना गुरु को जी ठीक आपको। करना क्या होता है भविष्य जी, जो बेसिकली भोग होता है जिस देवता का, वो उसको ऑफर कर दो, दैट्स इट। उस देवता को भोग ऑफर कर दो और कुछ नहीं होता। ठीक है, वो उस देवता को भोग ऑफर कर दो, सफिशियंट है। ठीक है, किसी का राहु वन में है, राहु फर्स्ट में है, मैंने पूछा था अभी थोड़ी देर पहले, किसी ने बताया नहीं, अब कुछ लोग और ज्वाइन हो गए। राहु फर्स्ट में है, राहु फर्स्ट वाला है। सर मेरे वेरी सन नाइस के ट्राई चार्ट गुरु में, जी। आपके सन के चार्ट में है सर। आपके सन के चार्ट में राहु फर्स्ट में है, तो जो आपके हस्बैंड हैं, आपके सन के पिता जो हैं, बेसिकली जो आपके हस्बैंड हैं, उनका थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव होगा, थोड़ा तो नहीं होगा ज्यादा ही होगा, मैंने थोड़ा तो इसलिए बोला कहीं आपको बुरा ना लगे सुरेंद्र जी, थोड़ा सा ना एकदम बोलने से एकदम फर्क पड़ता है, बट उनके फादर का थोड़ा जिद्दी स्वभाव होता है ये बताया गया है। सर उसका शनि और राहु दोनों फर्स्ट में है साथ में। मैं तो बोल रहा हूँ ना जिद्दी स्वभाव होगा। ठीक है, कौन सी राशि में है, कहाँ से शुरू है, कौन से नंबर से राशि से, कोई सर वो मेरे को याद नहीं बात नहीं। 7वें हाउस में क्या है? सर, देट ऑल्सो सर आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन फर्स्ट में है और देवराज नाम है उसका। ओके, और आगे बताओ शनि क्या, और कोई प्लेनेट याद है बताओ ना, मैं और अच्छी प्रिडिक्शन निकाल के बताता हूँ आपको अभी।
नहीं याद है तो ना सर, वो दोनों उसका कंजंक्शन है ना, वो मेरे को याद रहेगा। चलिए सुंदर जी चीज बताते हैं, जिनका बेटा पैदा हुआ होगा, जब भी इनका बेटा पैदा होगा विद इन स्पैन ऑफ 6 मंथ्स, 6 महीने के अंदर अंदर इनके हस्बैंड को हेल्थ या वेल्थ वाइज समस्या आई होगी, हेल्थ या वेल्थ वाइज 6 महीने के अंदर, सर प्रमोशन आया था। नहीं हेल्थ या वेल्थ वाइज समस्या भी आई होगी, प्रमोशन आया था बट समस्या आई होगी, प्रॉब्लम आई होगी, प्रॉब्लम प्रमोशन आई दैट इज ओके बट प्रॉब्लम भी, सर एक्सीडेंट हुआ था। प्लेनेट अपना काम करेंगे अशोक जी, प्रमोशन दे दी दैट इज ओके, वो उनका खुद का चार्ट भी चल रहा है, बट जो बच्चे का चार्ट आया है वो अपना असर दिखाएगा, वो अपना चार्ट दिखाएगा। मेरी वाइफ का भी है गुरु जी, सूर्य के साथ, सूर्य और शुक्र के साथ, सूर्य और शुक्र के साथ। उसके अलावा फोर्थ हाउस में क्या है अशोक जी? फोर्थ में जुपिटर और चंद्र, जुपिटर और चंद्र, मंगल बुध बाय। अब ये बताइए जो आपकी वाइफ हैं, हेलो, उनके पिताजी हैं अभी चले गए हैं? पिताजी हैं अभी चले गए हैं? तो आप चेक करना वाइफ के पिताजी को हार्ट या ब्रेन से रिलेटेड कोई इशू होगा, हृदय गुरुजी, लीवर से रिलेटेड कुछ इशू आया है, थोड़ा ज्यादा ही कैंसर बताया लीवर में। सर ऐसे व्यक्तियों को जो कि हार्ट की तरफ जा रहा है, मैं तो बोल रहा हूँ सर हार्ट या ब्रेन से रिलेटेड जरूर होगा। सुरेंद्र जी इसमें ये बोला जाता है इनके पिता की मृत्यु हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज या एक्सीडेंट, सिर्फ और सिर्फ इन 3 कारणों से होती है और किसी कारण से नहीं होती। चलिए ये तो बहुत सारी चीजें मेरे पास तो चलती रहेंगी चीजें, और थोड़ा सा बता देते हैं आपको, जुपिटर 6 में अगर किसी का वर्षफल में आ जाए तो ऐसे व्यक्ति का सोना गुम हो जाता है, दिक्कत हो जाती है, ठीक है। शनि तीसरे हाउस में है किसी का? सैटर्न थर्ड हाउस में है? तुम बताओ यार, तो मैं आगे पढ़ा नहीं पाऊंगा, मेरा मेरा है सर। तो ये जब सैटर्न थर्ड हाउस वाले प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना तो बिना प्लानिंग के खरीद लेते हैं, जल्दबाजी में खरीदी जाती है, ऐसे ही खरीदी जाती है। हाँ हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है मैडम। ये सर इसमें एक चीज और बताइए, क्या शनि थर्ड हाउस में होने की वजह से फ्रेंड सर्कल या सोशल मीडिया से भी डिस्कनेक्शन होता है? नहीं, मैं आपको वही चीज बताना चाह रहा हूँ कि हर ग्रह हर घर में बैठकर अच्छे रिजल्ट भी दे देता है और बुरे भी दे देता है, डिपेंड करता है आप उनसे ग्रहों से रस निचोड़ कैसे रहे हो, ले कैसे रहे हो, ठीक है, ये वो चीज होती है। अशोक जी यही कोर्स आपने ज्वाइन किया था एक बार, याद है पहले ये लाल किताब वाला? जी गुरु जी। कितने कितनी फीस में ज्वाइन किया था? 21,000 में किया था गुरु जी। ठीक है, आप शायद छोड़ गए थे, आज की डेट में ये वही कोर्स है, साथ में कर दिया जी जी। मेरे को याद आपका यही याद था क्योंकि आप पुराने बैच के थे, आपने उस टाइम पे किया था। बिकॉज मेरा पर्पस ये नहीं है कि मैं, सीधी बात है, मेरा पर्पस ये है कि लोगों तक ये ज्ञान पहुंच जाए किसी तरीके से, लोग इस ज्ञान को फायदा उठा सके। आपके किसी के कोई क्वेश्चन है तो ले लो, तो बहुत कम लोगों ने ज्वाइन किया तो चीजें बहुत सारी अच्छी निकल नहीं रही, 28-30 लोग हैं, मतलब इतने से ज्यादा तो सुरेंद्र जी बैच में हो जाते हैं हमारे, वर्कशॉप में तो 200-200 तक जाती है तादाद, आज भी 195 रजिस्ट्रेशन थे, तो वो थोड़ा सा। कृष्णा जी बताइए बेटा। अच्छा फिफ्थ हाउस में अगर वीनस एंड राहु है तो क्या होगा, एंड फोर्थ हाउस में सन और सैटर्न साथ में तो क्या होगा? नहीं नहीं बेटा, आप एक सूत्र पूछना चाहते हैं या पूरा पूछना चाहते हैं? तो उसमें सारे प्लैनेट्स की पोजीशन। नहीं सूत्र 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 क्या बोलते हैं, बोल रहे हैं आप? फोर्थ में सन और सैटर्न, फिफ्थ में वीनस एंड राहु। फोर्थ में सन और सैटर्न में, इसमें से ना जो सैटर्न है बेटा दैट इज नॉट गुड, व्हिच क्रिएट्स हेल्थ इश्यूज एंड अदर थिंग्स, और जो सिक्स्थ में शुक्र है वो अपने आप में ठीक नहीं, सिक्स्थ में पांच में है शुक्र, पांच में शुक्र है, और कौन सा है उसके साथ, क्या है? राहु। राहु किसका है बेटा? ये मेरा है। आपका है बेटा? है आपके पास? अभी नहीं है, अभी नहीं है, अब रखते हैं आगे। हां बेटा कृष्णा ये क्या है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ आप कहीं और बात कर रहे हो, ये क्या तरीका है? अभी नहीं है, अभी नहीं है। कोई मिसकैरेज या अबॉर्शन हुआ है? हाँ दो बार। बस यही इसका सूत्र है जो आपने पूछा ना, यही मेरा आंसर था। इसका ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है, ठीक है।
वरना तो ये एक ऐसा सांप बन जाता है जो बच्चे खाता रहता है, जिसको भोग में कुत्ते चाहिए होते हैं, खास करके नर संतान हो भी जाएगी तो फीमेल संतान होने देता, वो नर संतान नहीं होने देता। अब सुरेंद्र जी जैसे इन्होंने इशू बताया, कृष्णा बेटा एज कितनी हो गई आपकी? हाँ अरे अनम्यूट करके बोलो। 32। अब इन्होंने भविष्य एक इशू बताया मेरे से पूछा और वो इशू निकल के आ गया। मैंने बताया कि नर संतान की दिक्कत है ना सचिन। अब अगर मैं इनके भले के लिए कोई काम करता हूँ सुरेंद्र जी, इनको पढ़ाता हूँ, विद्या सिखाता हूँ, जिससे कि ये इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सके, तो ये मैं अच्छा काम कर रहा हूँ बुरा कर रहा हूँ? अच्छा काम कर रहा हूँ। अच्छा काम करोगे तो ईश्वर कभी आपको सजा देगा ही नहीं, कुछ गलत है ही नहीं। गलत तरीके से मत करो बस, इसको गलत तरीका ठीक नहीं है, ठीक है? वो प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, वो यहीं से निकल के आ रही है, ठीक है? सुराजीत जी, सुराजीत साहू, पर्सनल पत्रियां मत डिस्कस करने लग जाओ, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ऐसे तो 30 लोग हैं बेटा, 30 घंटे लग जाएंगे, एक घंटा लगाता हूँ मैं पर्सनल पत्री डिस्कस करने में, ठीक है? कुछ और क्वेश्चन है तो जो एजुकेशन से रिलेटेड तो वो पूछो प्लीज। मानसी साहू, ऐसे ऐसे ना मेरे पास 1200-1300 सूत्र हैं, ठीक है? ये सारे के सारे कंप्लीट कोर्स में आएंगे। कोर्स हम अगले संडे से स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग जो मैंने नंबर बताया था उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। नंबर एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है? जिस व्यक्ति को कोर्स के अलावा कोई बात करनी है कि वो ज्योतिष सीख सकता है नहीं सीख सकता, वो सब इसी नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप लोग पूछ लीजिए, ठीक है? ये हम फ्री ऑफ कॉस्ट बता देंगे आपको कि आप सीख सकते हो या नहीं सीख सकते। बाकी चीज़ों के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे कॉलिंग आवर्स में, मैं वो भी अवेलेबल रहता हूँ, ठीक है जी? ठीक है, मानसी साहू बोलो बेटा, क्या हैंड रेज किया हुआ आपने? सर यही कुंडली के बारे में ये जानना था। बेटा पर्सनल कुंडली तो फिर बहुत ज्यादा टाइम निकल जाएगा ना, कुछ एक आधा डाउट है तो देखो वो मैं बता सकता हूँ। मैं इसीलिए वही चाह रहा क्योंकि बीच में हम शुरू करते हैं अशोक जी बताना वैसे, और वो शुरू आ जाती है लास्ट में चीज अपनी अपनी कुंडलियों पे, वो फिर एक लंबी प्रोसेस हो जाती है, एक लेंथी प्रोसेस हो जाती है, ठीक है सर? नहीं ये बोर्ड दिखाई दे रहा है आपको, व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है? हाँ जी, ठीक है। इस व्हाइट बोर्ड पे मैं लिख रहा हूँ, ये नंबर है, इस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी पर्सनल डिटेल्स भी, कि ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है, टाइम ऑफ बर्थ है, मैं ज्योतिष सीख सकता हूँ कि नहीं सीख सकता हूँ, वो भेज दोगे तो हम आपको रिवर्ट बैक करेंगे, कॉन्टैक्ट कर लेंगे, ठीक है जी? जी सर। अभी 12 बजे से मेरी दूसरी क्लास है तो आप लोगों के पास थोड़ा सा टाइम है, अगर कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं, 9056565664, ठीक है जी? किसी को कोई डाउट है, कोई पूछना चाह रहे हो तो प्लीज बताइए। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है जी, बताइए। क्लास से रिलेटेड नहीं है, है तो व्यक्तिगत ही। मैं जब भी ज्योतिष सीखना चाहता हूँ, आपसे भी मैंने सीखने की कोशिश की, मेरे को फाइनेंशियल इश्यूज बहुत आ जाते हैं, बढ़ जाते हैं एक साथ, मतलब ये समझो कि अपना डेली रूटीन का भी खर्चा खत्म हो जाता है। ठीक है अशोक जी, आप एक काम कीजिएगा, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ जैसे मैंने बोला भेजिएगा। अगर आप सीख पाए, अगर ऐसे लगा कि आप सीख सकते हो और ये चीजें इससे रिलेटेड नहीं है, सिर्फ आपके मन का वहम है, तो मैं क्लियर बता दूंगा। अगर लगा मुझे कि आपको नहीं सीखना चाहिए, आपको धर्म कर्म इन चीजों देखे, तो मैं आपको क्लियर बता दूंगा, ठीक है? गारंटीड, ये बात मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सबको बता दूंगा, कोई भी पूछना चाहे बता दूंगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है? वो कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि पिछली बार भी मुझे याद आ रहा है आपने शायद ऐसा ही एक रीजन दिया था कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, बट जितना मैं ज्योतिष को समझता हूँ ना सर के, तो ऐसा इशू आता नहीं है, बट फिर भी आप बोल रहे हो तो मैं इस पॉइंट को पूरे को चेक करके फिर रिवर्ट करूंगा आपको, डोंट वरी। थैंक यू जी। मानसी जी, मानसी साहू जी, सर बस वही क्वेश्चन था बेटा, क्या बोलना चाह रहे हो बोल दो एक बार। सर वही वो प्लैनेट के बारे में, मतलब सारे जितने लोगों को भी मैं दिखा रही हूँ, मेरा 7th हाउस में सैटर्न एंड केतु है, ठीक है? तो
सब वही बोल रहे हैं कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होगा प्रॉब्लम होगा, पर मेरा तो ऐसा कुछ है ही नहीं, हस्बैंड के साथ सब कुछ अच्छा है। बिल्कुल भी नहीं होगा बेटा ये रिलेशन में प्रॉब्लम, मैं तभी कह रहा हूँ अशोक जी, सेवंथ हाउस में केतु और जो ये शनि है ना, ये रिलेशनशिप में प्रॉब्लम करता है सचिन जी, बट कब करता है? मानसी जी से पूछो, क्या आप शराब पी के डेली टल्ली हो जाते हो? अगर ये शराब नहीं पीती तो इनके रिलेशन खराब नहीं होंगे, अगर ये शराब पी के ही फिजिकल रिलेशन बनाती हैं। अब देखो मेरे ना जो फीमेल्स बैठी हैं, बच्चे के जैसे हो आप लोग, इस टाइम पे मेरी गुरु वाली पोजीशन है निधि जी, इररेस्पेक्टिव ऑफ एज, आपकी एज कुछ भी हो, अगर इनका नेचर ऐसा हुआ कि ये रोज दारू पी के और फिजिकल रिलेशन बनाएंगी तो इनके हस्बैंड के साथ रिलेशन खराब हो जाएंगे। अगर ये दारू नहीं पी रही है बहुत बढ़िया रहेगा, स्पेशली सैटरडे को दारू पीने से रिलेशन खराब होंगे। मानसी जी, जी सर, तो ड्रिंक करते हो आप बेटा? नहीं सर, ये सारी चीजें मेरे हस्बैंड भी नहीं, मैं भी नहीं, हम लोग बहुत ये स्पिरिचुअल फील से बिलीव करते हैं। रिलेशन बेटा, जब तक रिलेशन अच्छे रखने हैं तो ड्रिंक मत करो, ठीक है अखिलेश? अब अखिलेश इसी में तेरे को मैं शराब से एक चीज बताता हूँ, मेरी शराब से कोई दुश्मनी नहीं है कि मैं शराब से, मैं पीता नहीं हूँ, बट मेरा ऐसा नहीं है कि मैं मतलब शराब को देख के सुरेंद्र जी वो होता है। सुरेंद्र जी एक व्यक्ति ऐसे थे दिल्ली के अंदर, पूजा पाठ में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व, बट उन बेचारों की क्या हालत थी, खाने के लिए उनके पास वो रहती थी दिक्कत। तो मैंने उनको कहा कि अगर आप हल्की सी शराब ले लेंगे थोड़ी सी 3 महीने में एक बार, तो आपकी फाइनेंशियल स्थिति इंप्रूव हो जाएगी। अब कोई कहेगा यार मेरी तो बंद करवा दी, दूसरे की चालू करवा रहा है, तो बोला देखो यार दारू तो मैं नहीं पी सकता। मैंने कहा ठीक बात है, दारू पीनी भी नहीं चाहिए, अच्छी चीज नहीं है विमल जी, बट होम्योपैथिक की गोलियां आती हैं उनके अंदर अल्कोहल होता है ना, होम्योपैथिक वाली गोलियां जो होती हैं दवाइयां, वो तो चूस सकते हैं दिन में 2 बार, टॉफी की तरह चूस लो सुरेंद्र जी। बंदा कहेगा यार फाइनेंशियली इंप्रूव तो मैं होना शुरू हो गया, फाइनेंशियली इंप्रूव तो होना शुरू हो गया। आप में से कोई ऐसा है जिसकी 8 नंबर राशि से कुंडली शुरू हो रही हो, 8 नंबर का लग्न हो? सर मेरा ही है। मानसी का लग्न नहीं, लग्न नहीं, फर्स्ट फर्स्ट लिखा है उसमें 1 नंबर। कोई बात नहीं बेटा, जब चार्ट देखेंगे तो बता देंगे, अभी सुन लो ध्यान से, वो तो मैं तभी, वो तो कोर्स में तो ऐसी है गुरुजी। अशोक जी जिसका 8 नंबर का है गुरुजी, जिसका 8 नंबर का लग्न हो ना, उससे ये पूछो भाई तेरे को पैसा चाहिए भविष्य, बोलो बोलो पैसा चाहिए सुरेंद्र जी, पैसा हर आदमी कहेगा हाँ जी चाहिए, तो उसको बोला तू एक काम कर, रोज हनुमान जी के मंदिर में जाएगा, बोला जी रोज जाऊंगा, बोला रोज जाएगा हनुमान जी के मंदिर में, बोला फिर क्या होगा, बोला पैसों की बारिश होगी। मेरी चंद्र राशि यहां से शुरू है जी, उसकी बाकी चार्ट भी होंगे, बाकी चीजें भी देखी जाएंगी, बट जो स्थिति है वो मैंने आपको एक झटके में एक वर्ड से बता दी कि इस तरीके से आप स्थिति को इंप्रूव करके कहीं का मारा कहीं पहुंचा सकते हैं। कुछ लोगों को हम विमल जी मना कर देते हैं, बोला भाई तू थोड़े दिन मंदिर में जाया कर, बोलो जी मेरा तो पूजा पाठ की बहुत आदत है, तो मंदिर है तो फिर पढ़ाई किया कर। अखिलेश है क्लास में, चला गया अखिलेश राघव? जी गुरु जी मैं लगातार हूँ सर। अच्छा बोड़िया को बेटा मतलब अपनी वाइफ को आपने वो सुनाया जो मैंने कल रिकॉर्डिंग दी थी आपको स्टोरी? जी मैंने उनको सुनाया, माता जी को भी सुनाया, माता जी को मैंने भेज दिया, ठीक है, सुबह से पूरा परिवार इसी में लगा हुआ है। चलिए चलो ठीक है जी, अब आप लोगों से मिलते हैं अगली बार जब भी हम करेंगे। आप लोगों को अगर किसी को डाउट लगा है, कोई पूछना चाहता है, तो उस नंबर पे आप अपना डिटेल्स भेज दीजिए, उसी नंबर पे डिटेल्स हैं, आप डिटेल्स भेजिए, हम आप लोग को रिवर्ट करेंगे, ठीक है। जय माता।